नमस्कार, स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कराऊंगी, जो कि टीचर रिलेटेड टेस्ट में बार बार पूछे गए हैं। इससे पहले हमारी साइकोलॉजी की 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूर देखें। जल्दी हमारी नई वीडियोस आने वाली हैं। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर भी जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की किस कार्य में मदद करती है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला, सामाजिक बुद्धि, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं या नेताओं में पाई जाती है। दूसरा है व्यवहारिक या मूर्त बुद्धि, जो इंजीनियर्स, औद्योगिक कार्यकर्ताओं या फिर कारीगरों में पाई जाती है। तीसरा है सैद्धांतिक या अमूर्त बुद्धि, जो दार्शनिक, कलाकारों, कहानीकारों में पाई जाती है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्याएं सुलझाने में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह शिक्षिका किस उपागम के सिद्धांत पर आधारित कार्य कर रही हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सक्रिय भागीदारिता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? इसमें देखिए, ऑप्शन ए में बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये मानसिक मंदता का एक लक्षण है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी मानसिक मंदता की विशेषता है। तीसरा है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, क्योंकि वातावरण के साथ समायोजन करने में सिर्फ मानसिक मंदता बच्चों को ही नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली या सृजनशील बच्चों को भी कठिनाई हो सकती है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाक्षुष, यानी कि विजुअल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण यानी कि फॉरगेटिंग के प्रयोग स्वयं पर किसने किए हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एबिंग हॉस ने। इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व भी दिया है। एबिंग हॉस ने स्वयं पर प्रयोग किए, इन्होंने बहुत से वर्ड्स लिए और उनको याद किया। याद करने के बाद इन्होंने देखा कि किस तरह से ये उनको भूलते चले गए, तो इन्होंने बीता हुआ समय और परसेंटेज ऑफ अमाउंट फॉरगेटन के बीच एक कर्व बनाया, जिसमें 20 मिनट्स के बाद हम जो चीज हमने याद की थी उसका 47% हम भूल चुके होते हैं। एक दिन के बाद 66%, 3 डेज के बाद 75% और 31 डेज के बाद यानी कि 31 दिन के बाद हम 79% उस चीज को भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो चीजों को दोहराते रहें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है, यह किसका उदाहरण है? यानी कि ईमानदारी को टेस्ट करने के लिए एक जो टीचर है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि वहां से बच्चा पैसा चुरा भी सकता है और नहीं भी, तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया? इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, परिस्थिति परीक्षण का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। मौलिक चिंतन के साथ और भी सृजनात्मकता के गुण हैं, जैसे लचीलापन, प्रभावपूर्णता और अपसारी चिंतन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि कैट, चिल्ड्रंस एप्रिसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलाक ने। यह टेस्ट उन्होंने 1954 में किया। यह टेस्ट 3 से 10 साल की उम्र के बच्चे पर किया जाता है और इसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्मुखी। पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड परसोना से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। मनोवैज्ञानिक यूंग के अनुसार उन्होंने व्यक्तित्व को या पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा है, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट जो कि आशावादी होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, खुश मिजाजी होते हैं, सामाजिक होते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। दूसरे होते हैं अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, जो कि सेल्फ सेंटर होते हैं, असामाजिक होते हैं, एकांतवासी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। तीसरा होता है उभयमुखी, जिनमें इन दोनों के गुण शामिल होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। अध्यापक के लिए बहुत सी चुनौतियां होती है, लेकिन ऑप्शंस में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम शक्ति एवं सामाजिकता किसके लक्षण है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये शील गुण के लक्षण हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जब तक कि वे सीखने के लिए तैयार न हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था पर पड़ता है? जब एक किशोर असामान्य व्यवहार करता है, यानी कि जब वो समाज के नियमों को नहीं मानता, आपराधिक प्रवृत्ति धारण करता है, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, समानता का नियम वंशक्रम संबंधी नियम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अभिकर्मित अनुदेशन जिनके द्वारा विकसित किया गया वह कौन है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मन ए क्राउडर, जबकि अभिकर्मित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम लर्निंग बीएफ स्किनर के द्वारा विकसित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रेरणा का कार्य नहीं है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह तर्क शक्ति बढ़ाती है। प्रेरणा तर्क शक्ति नहीं बढ़ाती, जबकि प्रेरणा जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, व्यवहार को बनाए रखती है और व्यवहार को निर्देशित करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास की दर में भिन्न भिन्न होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन सी हैं? शीघ्र पुनः स्मरण कर लेना, शीघ्र पहचान करना और अच्छी धारण शक्ति होना, यानी कि ऑप्शन डी, ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति को उन्नत बनाना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, संस्कृति का परिष्करण करना। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एरिक्सन ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि कभी न समाप्त होने वाला और लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारक हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसिक गुण।
मानसिक गुण वो कारक हैं जिससे बालकों में व्यक्तिगत विभेद उत्पन्न होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। बाकी जो तीनों ऑप्शन आपके बच गए वो आपके हैं वातावरणीय या बाह्य कारक जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं और वातावरण, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी मानव के मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोध। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसमें आपका आंसर होगा मैकडूगल ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी प्रतियोगिता। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है मानसिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास और ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, सभी तरह के विकास बच्चे के विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का एक महत्वपूर्ण प्रयोग शिक्षा शास्त्र के निर्माण में किया जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिक सिद्धांत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीटी यानी कि खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण फील्डिंग को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक सहायता करेगी? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, क्योंकि बच्चे करके सीखना विधि के द्वारा सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी सीखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पशुओं पर प्रयोग करने में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी अध्ययन है यानी कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, PSYCHE, साइकी, जिसका मतलब होता है शोल, आत्मा, और प्लस लोगस, LOGUS, जिसका मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो हो गया आत्मा का अध्ययन, जबकि वर्तमान में साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्मुखी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पिछड़े बालक की श्रेणी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभवों की भूमिका पर बल है,
गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है वह कौन सी है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कहानी कथन में। कहानी कथन में अध्यापक तो सक्रिय रहते हैं जबकि बच्चे इनएक्टिव होके बैठे रहते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनर्बलन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा है? फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग उन्होंने तीन भाग बताए, अचेतन, चेतन और अर्धचेतन। जबकि व्यक्तित्व की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अचेतन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव किससे संबंधित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक भिन्नता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में यानी कि पहले सीखी गई सामग्री के धारण करने में अवरोध यानी कि बाधा पैदा करे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चोन्मुखी अवरोध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? इसके लिए आपको टर्मन के द्वारा दिया गया बुद्धि लब्धि का सूत्र याद होना चाहिए, जो कि है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो मानसिक आयु है 10 बटा 11 गुना 100, तो इससे जो आपका वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 90 से 110 के बीच में। तो 90 से 110 के बीच में जो बुद्धि लब्धि की श्रेणी है वो है औसत यानी कि सामान्य बुद्धि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य क्या कहलाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दल शिक्षण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, यह सत्य नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेव विगोत्स्की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? इसमें आपका आंसर होगा बुद्धि के 9 प्रकार माने हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।